एरिया ए है एंड सेपरेशन डी है, कैपेसिटी सी है, फिल्ड विथ फोर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स। हमने इसके अंदर चार डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स रखे, कॉन्स्टेंट के वन के टू के फोर इस टाइप से। इफ ए सिंगल डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यूज टू हैव कैपेसिटी सी, समझना इसको, ऐसा क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है प्यारे बच्चों, देन डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के। अगर मैं इन चारों को हटा के एक ही डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट रखूं तो इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के निकल पूछ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को करने का जो तरीका है वो मैं आपको बताता हूं। अब यहां से आपको ये बात पता होना चाहिए कि अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, अब मैं डाइलेक्ट्रिक फील करता हूं, डाइलेक्ट्रिक फील करता हूं, इधर मैं प्लस देता हूं और इधर मैं माइनस देता हूं। अगर डाइलेक्ट्रिक फील करता हूं कुछ इस तरह से, पैरेलल टू द प्लेट, पैरेलल टू द प्लेट, तो जो कैपेसिटर बनते हैं वो सारे सीरीज में बनते हैं इस तरह से, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये क्लियर है आपको, क्योंकि ये प्लस है फिर माइनस है, फिर प्लस है माइनस है, प्लस है माइनस है, प्लस है माइनस है, ये बात आपको क्लियर होना चाहिए। दूसरा, अगर मैं एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, अब मैं उस प्लेट के परपेंडिकुलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फील कर रहा हूं, प्लेट के परपेंडिकुलर मतलब ऐसे ऐसे डाइलेक्ट्रिक, तो अगर मैं यहां मेरा प्लस है और यहां मेरा माइनस है तो सारा एक साइड प्लस ही मिलेगा यार। तो ऐसे कॉम्बिनेशन को मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलता हूं, और इस केस में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जनरेट होते हैं, ये बात पता होगा आपको और मैं बता भी दिया। लेकिन यहां पर इन दोनों का मिक्स है, तो इन दोनों का मिक्स है, तो इन दोनों के मिक्स वाले कॉन्सेप्ट लगाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले हम इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटी बना लेते हैं। आपको समझाने के लिए, जब आप एक्सपर्ट हो जाओगे तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, पर मैं आपको समझाने के लिए बना लेता हूं। तो यहां मैं अगर प्लस प्लेट देता हूं और मैं इधर माइनस प्लेट लगाता हूं, तो ये जो इक्विवेलेंट कैपेसिटी दिखेगी, ये देखो, ये इसको प्लस मिला, इसको प्लस मिला, इसको प्लस मिला, तो ये तीनों मेरे को मिलेंगे, ये यहाँ से एक प्लस वाला और एक प्लस वाला, ये किस में कनेक्टेड है, तीनों प्लस से एक ही इनसे कनेक्टेड है, ये पैरेलल में है, लेकिन इन सब का जो प्लस है वो एक है, तो इन सब का जो कॉम्बिनेशन है, इन सब का जो कॉम्बिनेशन है, ये किसी एक के साथ प्लस और माइनस के साथ कनेक्टेड है, और ये माइनस इंड है, मतलब ये तीनों पैरेलल में है, और इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन है, इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन है वो इसके साथ सीरीज में है। ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के फोर है, और ये है के वन, ये है के टू, और ये है के थ्री, मतलब इक्विवेलेंट कैपेसिटी इन तीनों को अगर सीरीज में जोड़ोगे तो ये और ये इस टाइप से प्लस माइनस दिखेगा। ये के फोर है और ये इन तीनों का कॉम्बिनेशन है, बराबर है, इतनी सी बात तो समझ में आई होगी। अब यही लगा दो यार, सबसे पहले सी वन सी टू ए बाई थ्री है और ये डी बाई टू है, प्लेट एरिया ध्यान रखना, ये ए बाई थ्री है और ये डी बाई टू है, तो डी बाई टू तो ए भी हो जाएगा लेकिन इसकी प्लेट एरिया ए ही रहेगी। तो सी वन सी टू सी थ्री तीनों बराबर है, बराबर नहीं है, डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट अलग अलग है, तो C1 की वैल्यू आ जाएगी, एक प्लेट की क्या होती है, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट K। तो जब एरिया रखूंगा तो A बाई थ्री और D बाई टू, तो 2 ऊपर चला गया, एप्सिलॉन नॉट D और डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट K1। अब अगर तीनों पैरेलल में हैं तो इनकी जो इक्विवेलेंट कैपेसिटी आ जाएगी C1 प्लस C2 प्लस C3, दैट इज, इसको मैं सी डैश बोल देता हूँ तीनों के कॉम्बिनेशन को। तो इसका मतलब ये हुआ कि A एप्सिलॉन नॉट D अगर कॉमन ले लो, A एप्सिलॉन नॉट 2 बाई 3 D कॉमन ले लिए, तो यह जाएगा K1 प्लस K2 प्लस K3 के इक्वल आ जाएगा, दैट इज सी डैश, इन तीनों का कॉम्बिनेशन, दैट इज सी डैश। अब ये C4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको मैं कितना बोलूँ, तो इसकी आ जाएगी A एप्सिलॉन नॉट डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के, प्लेट एरिया यही है, D बाई टू, दिस इज द फाइनल कॉम्बिनेशन ऑफ C4। तो ये C4 आ गया और ये इन तीनों का सम आ गया। अब इक्विवेलेंट कैपेसिटी जब इन सबको मिलाओगे
तो एक नया कैपेसिटर मिलेगा, इन दोनों को जोड़ोगे तो एक नया कैपेसिटर मिलेगा C इक्विवेलेंट, जिसकी प्लेट एरिया A होगी, एप्सिलॉन नॉट, और इक्विवेलेंट कैपेसिटी K होगी, सेपरेशन D होगी। दिस इज द फाइनल कैपेसिटेंस ऑफ दिस, इन दोनों को जोड़ने के बाद मतलब। तो अब यहां से मैं लिख सकता हूं 1 upon C equivalent is equal to 1 upon C dash plus C 1 upon C4। वैल्यू डाल दो, तो वैल्यू जब डालोगे तो 1 upon, यहां से कैलकुलेशन थोड़ा सा ज्यादा है तो यहां से कॉमन ले लो, तो 2a epsilon naught और 3d यहां से कॉमन आ गया, और k1 plus k2 plus k3 आ गया, बराबर है, और प्लस 1 upon C4 ये डालोगे तो 1 upon A epsilon naught K4 और डिवाइडेड बाई डी, डी बाई 2 है तो 2 ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे 2 मैं यहाँ पे 4 का C 2, हाँ 2 ऊपर चला गया। अब इन ये C इक्विवेलेंट 1 upon A epsilon naught इक्विवेलेंट कैपेसिटी अपॉन डी, ये फाइनली अभी फाइनली ये ही पूछा जा रहा कि K इक्विवेलेंट, अब सबको कॉमन है ए एप्सिलॉन नॉट डी अपन ए एप्सिलॉन नॉट डी डे कॉमन आ गया, और 2 यहाँ से कॉमन ले लिए तो 2 upon K is equal to 1 by 3 ऊपर चला गया और 2 इधर आ गया, तो K1 plus K2 plus K3 और प्लस 2 उधर आके आ गया और upon K4। दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन। अब 2 upon K 3 by, ये 3 है, ये 3y, K1 plus K2, समझ रहे हैं ना, K1 plus K2 K4। एक मिनट देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन हम लोग का सही है। सवाल थोड़ा सा बड़ा था तो 2 K1 upon K मतलब ये हम लोग का सी ऑप्शन सही है। दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन।